हेलो बिश्रिया माइंड पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास चक्कास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे जो 2.2 का अपडेट आने वाला है, उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे न्यू नूसा मैप देखने को मिलेगा। तो गाइज उसके अंदर ढेर सारी यहाँ पे न्यू चीज़ें ऐड करी गई है, वही सारा सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। और साथ ही में नूसा मैप का गेम प्ले आप लोग कैसे कर सकते हो, वही सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नूसा मैप लगा के गेम को मैं स्टार्ट करती हूँ। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो 13 तारीख से यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, बट यहाँ पे जो नूसा मैप है वो आप लोगों को 15 सितंबर को इन गेम सुबह 5:30 बजे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नूसा मैप लगा के गेम को मैंने स्टार्ट किया है। पहले छोटा सा आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताएंगे। अब यहाँ पे 4-5 लोकेशन ऐसे मेन है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ। तो गाइस एक लोकेशन तो ऐसा है जिसमें एक हिडन कमरा टाइप का बना है और वो कमरा देखने में इतना मस्त लग रहा है। राइट साइड में आप लोग सेंटर में देखोगे तो मेरा मार्क अच्छे से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा बीच है तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब गाइज इस लोकेशन पे जैसे ही आप लोग आते हो तो जो बीच है वहाँ पे आप लोग पानी में तैर के भी जा सकते हो। वहाँ पे एक जो हमारी जेट स्की होती है वो रखी है, उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हो। या फिर यहाँ पे ऊपर की साइड जिप लाइन है तो उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हो। और गाइज जिप लाइन का भी बहुत अच्छे से इसके अंदर यूज़ है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस लोकेशन पर ले चलती हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो जिप लाइन के थ्रू इस लोकेशन पर मैं आ चुकी हूँ। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर आते हो तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे लूट मिल जाती है। लूट करने के बाद आपको यहाँ पे 2-3 क्रेट रखे हुए देखने को मिलते हैं, तो उसी क्रेट को ओपन करके भी आप लोग इसके अंदर से आइटम निकाल सकते हो। बट गाइज यहाँ पे एक मेन जो क्रेट है उसके अंदर से एक अलग टाइप की भी निकल रही है। जैसे कि देखो इस क्रेट को मैंने ओपन किया तो इसके अंदर से मुझे एक की मिली है, और ये जो की है वही यहाँ पे एक सीक्रेट डोर है उसको ओपन करने की है। तो यहाँ पे आप लोग देखो मार्क आ रहा है कि डोर किधर है, तो नीचे की साइड यहाँ पे डोर है, तो इसके पास आप लोग जैसे ही जाओगे तो ओपन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये डोर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डोर धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है, और जैसे ही आप लोग अंदर जाओगे ना तो बूम गाइस ये लोकेशन बहुत ही मस्त है। देखो एक अलग सी रोशनी टाइप की जो निकल रही है वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पे। उसी के साथ गाइस यहाँ पे चलिए हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे ये क्रेट्स ओपन कर लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे 3-4 क्रेट रखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में तो मुझे नॉर्मल गन और ये सब कुछ मिला था, सेकंड क्रेट में भी मुझे नॉर्मली आइटम मिले थे, बट जो थर्ड वाला क्रेट मैंने यहाँ पे ओपन किया था तो उसके अंदर से मुझे यहाँ पे एक क्रॉसबो मिला है। और गाइस ये क्रॉसबो का भी बहुत अच्छा यूज़ है, इस क्रॉसबो का नाम टैक्टिकल क्रॉसबो है। ये वाला क्रॉसबो अगर आप लोगों को मिलता है तो इससे आप लोग बिल्डिंग्स जला सकते हो। तो क्रॉसबो के बारे में आगे बात करते हैं, इससे पहले हम लोग इस लोकेशन से यहाँ पे निकल जाते हैं। तो देखो इधर की से आप लोग यहाँ पे बाहर भी आ सकते हो, पूरा पानी वाला लोकेशन बना हुआ है और सीढ़ियाँ टाइप की बनी हुई है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे ऊपर आ सकते हो। तो एक लोकेशन जो था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद जो क्रॉसबो है उसका यूज़ ये है कि ये वाली ऐसी जो बिल्डिंग रहती है ना इसके ऊपर आप लोग चलाते हो तो ये पूरी यहाँ पर जल जाएगी। अब कोई कोई बिल्डिंग इसके अंदर घास वाली होगी वो जलेगी, कोई कोई यहाँ पर नहीं जलेगी, ये वाली जो है वो नहीं जल रही, बट आगे जाके और भी जो घास वाली बिल्डिंग रहती है वो आप लोगों को अगर आप लोग क्रॉस ऊपर चलाते हो तो ज़रूर से वो जलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक लोकेशन था जो मैंने आपको बता दिया, साथ ही में यहाँ पे एक क्रॉसबो था वो भी मैंने आपको बता दी, दो चीज़ें। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात करते हैं। तो थर्ड चीज़ गाइज हम लोगों का यहाँ पे व्हीकल है, आप लोग देखो यहाँ पे 2-सीटर न्यू व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे व्हीकल देख सकते हो। उसी के साथ गाइज ये व्हीकल को अगर आप लोग चलाते हो तो जो माउंटेन बाइक है ना वीकेंड मैप में दुओ वाली वैसे करके कुछ फीलिंग आती है, उसी के साथ ये जो गाड़ी है ये जो व्हीकल है वो आप लोगों को यहाँ पे बीचेस पे मिल जाएगा, जो बीच वाले लोकेशन रहेंगे वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर मिल जाएगा। तो ये हमारी तीसरी चीज़ हो गई। उसके बाद चौथी चीज़ की मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करूँ तो गाइज़ वो लोकेशन हमारे यहाँ पे पिंक बीच है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नीचे की साइड देखोगे तो एक पिंक बीच करके आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा यहाँ पे देखने जाओ ना तो इतना मस्त है। वहाँ पे फाउंटेन से लेके बहुत अलग अलग चीज़ें रखी हुई है। तो चलिए यहाँ पे मैं पिंक बीच चली जाती हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पे जैसे ही आप लोग आओगे तो पूरा पिंक पिंक टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसकी रेत वेत सब कुछ यहाँ पे पिंक है। उसी के साथ यहाँ पे जो बलून रखे हुए हैं उसके साथ आप लोग यहाँ पे खेल भी सकते हो, जैसे कि इधर की साइड देखो बलून पे मैंने लात मारी तो बलून थोड़ा आगे चला गया। उसी के साथ इधर की साइड आप लोगों को एक बड़ा सा गुब्बारा भी देखने को मिलता है जो कि चेयर पार्क के अंदर भी है, तो इसके अंदर बैठ के आप लोग ऊपर जा सकते हो नीचे आ सकते हो। बट अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको चलाना तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इसी के थोड़ा आगे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक फाउंटेन देखने को मिलता है, और फाउंटेन भी देखने में बहुत ही मस्त
मस्त है। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलते हो पबजी मोबाइल को, तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से मेमोरी बना सकते हो। बहुत ही अच्छा सा ये लोकेशन है। तो ये फाउंटेन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसी के साथ गाइज यहाँ पे जो मैरी गो राउंड टाइप का भी बना है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं याद नहीं है, बट ये मैरी गो राउंड टाइप का भी यहाँ पे बना हुआ है, बट अभी चल नहीं रहा, क्या पता आगे जाके चले। इसकी मुझे कोई लीक्स नहीं है, मैंने इसके अंदर बैठने का ट्राई भी किया था बट ये नहीं चल रहा था। उसके बाद गाइज नेक्स्ट यहाँ पे बताऊँ तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बीच वाले लोकेशन पे आप लोगों को व्हीकल आराम से मिल जाता है, तो अभी भी देखो मैं बीच वाले लोकेशन पे ही हूँ, तो इधर भी मुझे ये वाला व्हीकल मिला था। तो अगर ऐसा कोई व्हीकल का मिशन या ऐसा कुछ भी आए तो आप लोग बीच वाले लोकेशन पर ही जा सकते हो। ये पिंक बीच आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद गाइज इसके अंदर की मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ बताऊँ तो वो हम लोगों की यहाँ पर ज़िपलाइन है। ज़िपलाइन का यूज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर भी है, एक बिल्डिंग के थ्रू दूसरी बिल्डिंग पर आप लोग जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो इस बिल्डिंग पे जिपलाइन बनी हुई है, तो इस जिपलाइन का यूज़ करके मैं दूसरी बिल्डिंग पे जा सकती हूँ। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप लोग इस जिपलाइन का यूज़ करते हो उसके बाद अगर आप लोग जिपलाइन को डैमेज करते हो तो जिपलाइन टूट भी जाएगी। जैसे कि आप लोग देखो मैं दूसरी जिपलाइन पे यहाँ पे हूँ, तो पहले मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूज़ करने के बाद ही टूटेगी, नॉर्मली अगर आप लोग इस पर डैमेज करते हो ना गन से तो भी आप लोगों का ये टूट जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास गन है, तो यहाँ पे इसको मैं डैमेज कर रही हूँ तो जिपलाइन पूरी टूट गई है। तो आप लोग यहाँ पे मज़े ले सकते हो, आप लोग खुद यहाँ पे आओ फिर क्या करो कि धीरे से फिर इसको तोड़ दो, दूसरा बंदा आ ही नहीं पाएगा। बट गाइज ये जिपलाइन को आप लोग रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है, टूटी हुई जिपलाइन को रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आप लोग इसके पास जाते हो तो आपको रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, और इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये जिपलाइन यहाँ पे रिपेयर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो जिपलाइन है वो यहाँ पे रिपेयर हो चुकी है और वापस पहले जैसी एज इट इज़ बन गई है। एक बार और मैं आपको तोड़ के बताऊँ तो देखो इसके ऊपर जैसे ही आप लोग गन चलाते हो तो ये जिपलाइन टूट जाएगी। एक्स वाई जेड नूसा मैप में जितनी भी जिपलाइन है सारी यहाँ पे टूटती है, और साथ ही में उसको वापस आप लोग रिपेयर भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ बताऊँ तो वो हम लोगों की एलिवेटर है, ठीक है। एलिवेटर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती है, मतलब जो लिफ्ट रहती है ना वो यहाँ पे आप लोगों को मिलती है। तो इसके अंदर मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है वहाँ पे आप लोग आओगे तो इसके अंदर आपको एलिवेटर मिलेगी। जैसे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में यहाँ पर मैं आई थी, तो यहाँ पर आप लोग देखो नीचे से ही आपको एलिवेटर मिल जाएगा। एक दरवाज़ा रहता है, उस दरवाजे को खोलते ही उसके पीछे की साइड ही एलिवेटर रहता है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, और आप लोगों को अप डाउन अप जाना है तो आप लोग अप पे कर सकते हो, डाउन जाना है तो आप लोग डाउन पे कर सकते हो। और इसी के साथ देखो मैं अप कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो लिफ्ट है मैं अभी थर्ड फ्लोर पे हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट आ चुकी है और इसके अंदर मैं आ चुकी हूँ। अब नॉर्मली आप लोगों को जिसके भी ऊपर जाना हो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब नॉर्मली जो हम लोग जैसे एलिवेटर का यूज़ करते हैं सेम इसके अंदर भी आप लोग कर सकते हो। तो देखो मैंने चार नंबर दबाया तो मैं चार नंबर पर आ गई। उसके बाद अब मैं डायरेक्टली सात नंबर दबा देती हूँ तो मैं सात नंबर पर भी यहाँ पर आ जाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सात नंबर जैसे ही मैंने दबाया तो ऊपर की साइड में सेवन नंबर पे आई। बट गाइज़ इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि सात नंबर पे आने के बाद एक कमरा रहता है जिसके अंदर दो मॉन्स्टर है, उस दो मॉन्स्टर को आप लोगों को मारना है जिससे आप लोगों को अच्छी अच्छी लूट भी मिलेगी। तो देखो मैं ये दो मॉन्स्टर है उनको यहाँ पर मार देती हूँ, तो इनसे मुझे यहाँ पर लूट भी मिली, उसी के साथ मुझे एक क्रॉसबो भी मिल गया इसके अंदर से। तो ये एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो इसके अंदर गाइज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है जो कि साइंस सेंटर है। तो साइंस सेंटर भी आप लोग यहाँ पे नॉर्मली आ सकते हो, और ये जो साइंस सेंटर है वो लोकेशन देखने में बहुत ही मस्त है, ठीक है। ऐसे तो इसके अंदर ज़्यादातर कुछ है नहीं, बट सिर्फ लोकेशन ही एकदम बड़ा सा बनाया गया है। ये हो सकता है हॉट ड्रॉप लोकेशन हो क्योंकि सेंटर में भी है और बहुत से बंदे यहाँ पे आ भी सकते हैं। तो ये हमारी साइंस सिटी लोकेशन आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अब गाइज ये साइंस सिटी के अंदर आप लोग यहाँ पे आते हो वो यहाँ पे जो हमारी लैब होती है वो भी मिल जाती है, मतलब साइंस सेंटर के अंदर जितनी चीज़ें होती है सारी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ तो रिस्पॉन इसके अंदर रिकॉल सिस्टम बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग यहाँ पे सोलो डुओ स्क्वाड में खेल रहे हो तो सोलो में जैसे ही आप लोग गेम स्टार्ट करते हो ना तो ज़मीन पर लैंड करने के बाद चार मिनट के अंदर अगर आप लोग मर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोग रिस्पॉन हो जाओगे, ठीक है। चार मिनट के अंदर सोलो में अगर आप लोग ऑटोमेटिक मरते हो तो रिस्पॉन हो जाओगे, और अगर आप लोग डुओ और स्क्वाड खेल रहे हो तो उसके अंदर आपका टीममेट जिंदा है, चार मिनट के अंदर आपका टीममेट जिंदा है, बट आप मर जाते हो तो भी आप लोग यहाँ पर जिंदा हो जाओगे। जैसे कि अभी डुओ और स्क्वाड में करते हैं ना टीममेट जिंदा हो तभी हम लोग रिस्पॉन हो सकते हैं, तो इसके अंदर भी सेम रहेगा, अगर आपका टीममेट जिंदा है तो आप लोग भी यहाँ पर रिस्पॉन हो जाओगे, बट सिर्फ चार मिनट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ
पे रिस्पॉन्ड हो चुकी हूँ, आप लोगों ने अच्छे से देखा ही होगा। उसके बाद गाइज नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँ तो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे न्यू गन है जो कि एक शॉर्ट गन है NS 2000 जो कि अच्छे से आप लोग देख सकते हो, और ये शॉर्ट गन चलाने में भी बहुत अच्छी लग रही है। 12 गेज एमओ ही इसके अंदर लगती है और यही सब कुछ है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो, ये शॉर्ट गन भी देखने में बहुत ही मस्त है। तो चले गाइज़, आई होप आप लोग पूरे नुशा में आपको अच्छे से समझ गए होंगे। गाइज़ अगर ये वाला वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।